आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको इस तरह की न्यू बॉर्न बेबी के लिए फ्रॉक बनाना बताऊंगी। और ये फ्रॉक मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने एक फ्लावर बना के लगाया हुआ है। और इस फ्लावर का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख के ये फ्लावर इस तरह के बना सकते हो। तो ये जो फ्रॉक है, मेरे पास कई रिक्वेस्ट आई थी तो मैं इस लिए मैंने ये फ्रॉक बनाया है। तो यहाँ पे इस फ्रॉक को मैंने ऊपर से यहां से हम स्टार्ट करेंगे, तो 48 हमने यहाँ पे चेन के ऊपर इसको स्टार्ट किया है। और उसके बाद मैंने यहां से लेकर यहां तक 7 रो बनाई है, ये जो हमारी चोली है इस फ्रॉक की। तो इसमें टोटल हमारे पास यहां से लेकर यहां तक 7 रो आएंगी, और उसके बाद एक रो में हमने इसको आपस में ज्वाइन किया है। और फिर हमारा आएगा नीचे का पार्ट। तो जो हमारा नीचे का पार्ट है ये, इसमें मैंने टोटल यहां से लेकर यहां तक 8 रो बनाई हुई है और ये वाला डिजाइन सेट किया हुआ है। तो ये जो फ्रॉक है बहुत सिंपल फ्रॉक है, अगर आप क्रोशेट में नए हो तब भी आप इसे बना सकते हो। और इसका जो बैक का पार्ट आएगा हमारे पास कि इस तरह से, ये हमारा बैक का पार्ट है, ये खुला हुआ है। यहाँ पे मैंने अभी बटन नहीं लगाए हुए हैं, तो हम यहाँ पे बटन लगाएंगे। यहाँ पे आप 2 बटन लगा सकते हो, और अगर आप चाहो तो यहाँ पे बटन पट्टी भी बना सकते हो। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊं बटन पट्टी के ऊपर। तो अगर आप सिंपल यहां से इस तरह से रखना चाहते हो तो फिर आप यहां से इस तरह से भी रख सकते हो। तो चलिए आज फिर हम इस फ्रॉक को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहां पे 48 चेन लिया हुआ है अभी, तो हम यहां पे 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे, 1 और 2। तो हमने यहां पे 2 चेन एक्स्ट्रा लेना है। तो अभी हमने 1, 2 और 3 चेन हमने छोड़ देना है, और जो हमारा 4th चेन आएगा वहां पे हमने बनाना है डबल क्रोशिया। तो एक हमने डबल क्रोशिया बनाया और एक हमारी 3 की चेन होगी, इसको हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। तो स्टार्टिंग में हम 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद हमने कॉर्नर बनाना है। तो हमने 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाया, ये हमने 7 बार यहां पे डबल क्रोशिया बनाया है। तो हमने यहां पे हाफ पैटर्न से इस फ्रॉक को स्टार्ट किया है। तो 7 बार हमने यहां पे 7 टाइम हमने डबल क्रोशिया बनाया है। तो जो लास्ट का हमारा आएगा वो भी 7 बार आएगा, तो ये टोटल 14 बार हो जाएंगे, 14 टाइम ये डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये हमारा आगे और फ्रंट और बैक का पार्ट आएगा, और जो हमारी बाजू है उसके लिए हमने 10 जो है वो डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। तो अभी हमने कॉर्नर बनाना है, तो हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे। यहाँ पे हमने 2 चेन लिया, और नेक्स्ट चेन जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट चेन है वहां पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है। तो अभी हम बाजू के लिए बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे 10 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो हम 10 टाइम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने इसी तरह से 10 बार यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेना। तो देखिए मैंने यहाँ पे 10 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। पहले हमने 7 बार डबल क्रोशिया बनाया, हमने बीच में 2 चेन लिया, और नेक्स्ट चेन में जाके हमने डबल क्रोशिया किया, और अभी हमने काउंट करते हुए 10 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। तो अभी हम फिर से कॉर्नर बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे 2 चेन लेना है, बल लेना है, और जो हमारी अगली चेन है वहां पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है। तो हम यहाँ पे अभी हमने ये फ्रंट के लिए पार्ट बनाना है, तो हम यहाँ पे 14 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने यहाँ 14 बार डबल क्रोशिया बनाना है इसी तरह से। तो हम इस तरह से 14 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे,
तो देखिए मैंने यहाँ पे कॉर्नर बनाया था, तो यहाँ से लेकर मैंने 14 बार 14 टाइम मैंने डबल क्रोशिया बना लिया है। तो हमने स्टार्टिंग में देखिए पहले हमने यहाँ पे 7 टाइम बनाया, फिर 10 टाइम, फिर 14 टाइम। तो अभी हमने फिर से बाजू के लिए बनाना है, तो हम यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन में जाके हमने यहाँ पे 10 बार डबल क्रोशिया बनाना है और फिर से हम कॉर्नर बनाएंगे और लास्ट में जो हमारे पास है वो 7 बार डबल क्रोशिया आएगा। तो इस तरह से जो हमारे पास ये 48 हमने यहाँ पे चेन लिया हुआ है उसको हमने डिवाइड कर दिया है। तो हमने जो 10-10 जो हमने यहाँ पे चेन है उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाया है बाजू के लिए, और जो 14-14 हमारे पास डबल क्रोशिया आएंगे वो हमारे पास बैक और फ्रंट के लिए आएंगे। तो ये रो जो है मैं पूरी कंप्लीट कर लूंगी इसी प्रकार से। तो देखिए मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है और ये हमारे पास हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए, बीच में 2 चेन लिया और नेक्स्ट चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया 10 टाइम, आगे से हमने यहाँ पे 10 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर से कॉर्नर बनाया, 2 चेन ली और उसके बाद हमने 14 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाए और फिर से हमने कॉर्नर बनाया 2 चेन लेके और फिर से हमने बाजू के लिए 10 टाइम यहाँ पे डबल क्रोशिया किया, फिर से कॉर्नर बनाया यहाँ पे और लास्ट में हमारे पास ये 7 डबल क्रोशिया है। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई और अभी हम सेकेंड रो यहाँ से हमारी स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे मैंने 1 चेन यहाँ पे लिया हुआ है तो मैं यहाँ पे 2 चेन और लूंगी, तो ये हमारे पास 3 चेन आ गया है और अभी हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है नेक्स्ट चेन में जाके। तो हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे लास्ट में हमने डबल क्रोशिया बना लिया। तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं जो हमारे पास ये वाला लूप बना हुआ है, तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं। तो हमने यहाँ पे इस लूप में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे कि मैंने एक बार डबल क्रोशिया बनाया और बीच में हमने 2 चेन लेना है और फिर से हमने इसी लूप में डबल क्रोशिया करना है। तो हमने इस लूप में एक बार डबल क्रोशिया बनाया, बीच में हमने 2 चेन लिया और फिर से हमने डबल क्रोशिया बनाया, तो फिर हम नेक्स्ट चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो इसी प्रकार से हमने ये रो कंप्लीट करनी है और इसमें हमने जहां भी हमारे पास ये 4 हमारे पास कॉर्नर है तो हमने हर एक कॉर्नर में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, बीच में 2 चेन लेना है और फिर से हमने वहीं पे उसी लूप में एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है। तो हम यहाँ पे भी इस प्रकार से बनाएंगे और जो बीच में हमारे डबल क्रोशिया आएंगे उसके ऊपर हमने हर एक के ऊपर एक एक बार बनाते हुए जाना है। तो देखिए ये हमारा इस तरह से जो हमारी फ्रॉक है उसकी जो चोली है वो बननी स्टार्ट हो गई है और ये हमारा फ्रंट आएगा, ये दोनों बाजू आ गई हैं और ये बैक का पार्ट है। तो 14 हमने डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाए, 7 और 7 अगर हम प्लस करेंगे तो 14 ये हो गए। तो ये इस तरह से आएगा, इस तरह से हमारे पास आएगा, ये हमारा आगे की तरफ और ये यहां से हमारी बाजू आएंगी और ये बैक की तरफ आएगा हमारे पास, यहाँ पे जो हमारे बटन पट्टी आएगी लास्ट में बैक में वो आएगी। तो इस तरह से हमने 7 रो बनानी है और हमने जहां पे हमारे पास लूप होगा वहां पे हमने एक बार डबल क्रोशिया और बीच में 2 चेन लेना है और फिर से वहीं पे डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी प्रकार से हमने 7 रो तक ये वाली चोली हमने बना लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 7 रो बना ली है, तो ये मेरे पास यहां से लेकर यहां तक 7 रो हमने कंप्लीट कर ली हैं और हर एक यहां से हमने 48 से स्टार्ट किया था फर्स्ट रो में और जब हमने सेकंड रो बनाई थी तो हमारे पास 4 लूप है, देखिए 1, 2, 3 और 4। तो जो हमारे यहाँ पे 4 लूप है दोनों तरफ एक एक डबल क्रोशिया बड़ा था, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो हम यहाँ पे हमारी एक रो में हमारे पास 8 डबल क्रोशिया इंक्रीज हो गए थे, तो फिर नेक्स्ट में हमारे पास 8 डबल क्रोशिया इंक्रीज हुए। तो 7 रो में लास्ट में जो मेरी 7 रो है वहां पे 96 मेरे पास ये डबल क्रोशिया आए हैं, इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ गए हैं। तो ये हमारे इस तरह से हमारी जो चोली है वो इस तरह से आएगी।
इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पार्ट आएगा और ये बैक का पार्ट आएगा लास्ट इस तरफ से और ये हमारा फ्रंट आएगा। इस तरह से ये हमारी फ्रॉक की चोली आएगी और ये इधर से इसका बैक पार्ट आएगा। तो अभी हमने यहाँ पे नेक्स्ट रो बनाना स्टार्ट करना है और इस रो में हम इसको आपस में ज्वाइन करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको आपस में जोड़ देना है, ज्वाइन करना है। जो देखिए इस तरफ हम यहाँ पे इसको आपस में ज्वाइन करेंगे। तो फिर हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे जो हमारे पास देखिए थर्ड चेन है, एक दो और तीन जो हमारा थर्ड चेन है, यहाँ पे जाके हमने इसको आपस में ज्वाइन करना है, स्लिप स्टिच बनाना है। इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया है आपस में। तो यहाँ पे हम तीन चेन लेंगे इसके ऊपर, देखिए इसको हम वन डबल क्रोशे में काउंट करेंगे और नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। तो हमने यहां तक इसी प्रकार से बना लेना है, यहां तक हम जहां पे हमारा लूप है वहां तक बना लेंगे। तो देखिए मैंने यहां से इसको आपस में ज्वाइन किया था स्लिप स्टिच बना के और नेक्स्ट रो स्टार्ट की और यहां तक मैंने इसको बना लिया है। और अभी हम आ गए हैं यहां पे लूप में। तो हमने यहां पे एक बार डबल क्रोशिया बनाना है इस लूप में। तो हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया यहां पे एक बार और अभी हमने जो बाजू है उनको आपस में ऐसे जोड़ना है। तो हमने यहाँ पे जो हमारा बाजू का पार्ट है उसको हम यहाँ पे इस तरह से इस तरफ ले आएंगे और आपने इसी हाथ में इसको बाजू को पकड़ लेना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बल लेंगे और जो हमारा हुक है उसको हमने ऊपर की तरफ से, इस तरह से नहीं ऊपर की तरफ से लेके जाएंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बना दिया है और ये आपस में ज्वाइन हो गया है। तो एक डबल क्रोशिया हमने इस लूप में बना दिया और एक इसमें। तो अभी हमने फिर से हर एक चेन में बनाना है। तो हम हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे इस तरह से। तो जो हमारा डबल क्रोशिया है हमने यहां तक बना लेना है, जो हमारा नेक्स्ट लूप है वहां तक हम बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे यहां से लेकर यहां तक बना लिया है और अभी हम फिर से यहाँ पे लूप में आ गए हैं। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया हम एक बार यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया तो जो हमारा बाजू का पार्ट है उसको हमने इसी हाथ में इस तरह से पकड़ लेना है और यहाँ लूप में आ जाना है। इसको हमने बनाना नहीं है, बाजू का पार्ट है, बल लेंगे और ऊपर से इस तरह से ऊपर से हमने हुक को लेके जाना है और फिर इसको डबल क्रोशिया बना देना है। इस तरह से यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना देंगे तो ये आपस में ज्वाइन हो गया। और फिर से हम जो हमारे पास डबल क्रोशिए हैं हर एक में एक एक बार बनाते हुए जाना है और लास्ट तक हमने बना लेना है। तो हम यहां तक बना लेंगे। तो मैंने देखिए यहां से लेकर यहां तक बना लिया है। तो इस फ्रॉक में मैंने जो डिजाइन सेट किया है तो उसके लिए हमें आगे 97 डबल क्रोशिए चाहिए होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 96 है तो हम यहाँ पे इंक्रीज कर, यहाँ पे हमने वन डबल क्रोशिया इंक्रीज कर देना है। तो हम यहाँ पे जैसे कि मैंने इस रो में लास्ट की रो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 96 डबल क्रोशिया तक बढ़ गए हैं। तो आगे हमने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लिया है, बाजू का पार्ट हमने अलग कर दिया है। तो हमारे यहां से लेकर जो डबल क्रोशिये है जो हमने बनाए हुए हैं तो उसमें हमने यहाँ पे वन डबल क्रोशिया इंक्रीज कर देना है। तो हम यहाँ पे एक ही चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे वन डबल क्रोशिया इंक्रीज हो गया है। तो जो हम यहाँ पे थर्ड चेन है वहां पे हम इसको इस तरह से आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो ये चोली है बन गई है, ये बाजू है इसके, इस तरफ भी ये बाजू आए हैं, यहाँ पे ज्वाइन हो गई है और ये इसका फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशिया इंक्रीज किया है, एक ही जगह पे मैंने दो डबल क्रोशिया बनाए हैं क्योंकि आगे जो हमने इसमें फ्रॉक में डिजाइन बनाना है यहां से लेकर इस तरह से, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करना, तभी हमारा वो डिजाइन सेट होगा। तो ये जो फ्रॉक है इसकी मैंने
वीडियो के टू पार्ट बनाए हुए हैं, तो ये वन पार्ट है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको चोली पसंद आई होगी, तो आप इस तरह से बना सकते हो। तो इसके आगे का जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।